सो है इज वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू पीपल वेलकम टू अनादर से ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी तो वर्ल्ड जोग्राफी के हम लोग फैग एंड में पहुंचने वाले हैं हम लोग बात कर चुके हैं वर्ल्ड ज्योग्रफी में क्लाइमेट टाइप्स के बारे में क्लाइमेट टाइप सारा हो चुका था आपका वर्ल्ड के क्लाइमेट टाइप्स हम लोगों ने देखी है सारे उसके बाद हमने वर्ल्ड के जो है फिजिकल ज्योग्राफी देखी एज so, सारे जो है हम लोग कॉन्टिनेंस को एक एक करके हम लोगों ने कवर किया था उसके बाद अभी जो है हम लोग अपने लास्ट लेग में पहुंच गए हैं दैट इज य वर्ल्ड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है जी वर्ल्ड में जो रिसोर्सेज है इनका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं मैंने आपको कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सिस के बारे में जो है सारा बता चुका हूं मैं एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी रिन्यूएबल रिसोर्स ठीक है रिन्यूएबल रेन्यूएबल रिसोर्स के ऊपर हम लोग बात कर चुके कर रहे हैं रेन्यूबल रिसोर्सेज के हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे किस तरह से मिलते हैं एंड इसका जो फाइनल लेग होगा मैं इसमें आपको बताऊंगा वर्ल्ड के जो इंडस्ट्रियल रीजनस हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं ये हम लोग बात करेंगे एक सिंगल मैप में मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा सो so, अगेन uh, पिछले जो मैंने लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने रिन्यूएबल रिसोर्स बात की थी और मैंने दो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के बारे में बात की थी दैट वाज सोलर पावर एंड विंड पावर ठीक है सोलर एंड विंड के बारे में बात कर ली थी दो इंपॉर्टेंट uh, आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमने रिन्यूएबल एनर्जी नेटवर्क ट्वेंटी की रिपोर्ट भी थोड़ी बहुत देखी थी चेक करी थी कि किस तरह से हम लोग जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका कंटिन्यूस uh, इंक्रीज या कंटिन्यूस हम लोग क्या देख रहे हैं एडवांस uh, देख रहे हैं एज एज फार ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन इज कंसर्न राइट ये मैंने रिपोर्ट अगेन uh, आप अपनी जो ऐप आप है आपके कंटेंट सेक्शन में डाल दी है इसी इसी पर्टिकुलर चैप्टर में आप उसको जाके पढ़ सकते हो सेवेंटी फाइव कुछ पेजेज है पीपीटी की फॉर्म में बहुत सारा मेटीरियल आपको मिल जाएगा एज फार एज रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न की वर्ल्ड में क्या हो रहा है ठीक है उसी से एक्सर्ट मैंने कई सारे उठा के लिए हैं यहाँ पे एंड आई होप दैट इज दैट इज गोइंग टू गिव यू अक्चर की क्या जो है एज वॉल एज रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न ठीक है as well as, uh, उसके बाद हम लोग बात करते हैं टूवर्ड्स टूडेज टॉपिक और आज मैं जो है तीनों टॉपिक जो लूंगा वो वॉटर uh, के आसपास रिमो मूविंग uh, होंगे सो हम लोग तीन रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे जिसको कि जिसमें हम लोग वाटर uh, की बात करते हैं हाइड्रो के बारे में बात करते हैं तीन होंगे एक होगा आपका हाइड्रो पावर ठीक है तो so, मैं बात करूंगा हाइड्रो पावर के ऊपर स्पेशली जो अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के डैम देखे कन्वेंशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम देखते हैं आप या रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट देखते हैं मैं इनके बारे में बात करूंगा किस तरह से इसके अंदर पावर जनरेशन हो रही है और कौन कौन से कंट्रीज जो है इसमें पावर जनरेशन कर रहे हैं कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है जी इसके बाद मैं मूव करूंगा अगेन अनदर फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर जो कि है आपकी वेव एनर्जी एंड वेव एनर्जी में हम लोग क्या करेंगे जो मैंने आपको बताया था देखो सी वेव्स बताई थी आपको एंड सी वेव जो है वो क्या है देअर नथिंग बट एनर्जी मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक जगह से दूसरी जगह सरफेस में ओशन में, में क्या हो रहा है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है और इसी को हम लोग हार्नेस करने की बात करते हैं इन दी वेव एनर्जी सिस्टम ठीक है आपको बताने की कोशिश करूंगा एंड देन थर्ड वन इज दिंपली दाइडल एनर्जी ठीक है टाइडल एनर्जी में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से वॉटर के लेवल का जो है राइज एंड फॉल होने से इसको हम किस तरह से हार्नेस कर सकते हैं एज फार एज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन या पावर जनरेशन इज कंसर्न सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सो हाइड्रो पावर की आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रो पावर में हम लोग देखते हैं कि जो वाटर है उसके अंदर दो तरह की आपको मैकेनिकल एनर्जी स्टोर देखने को मिल जाती है अगेन एक जो है इट इज काइनेटिक एनर्जी ये जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज बाय वर्च्यू ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर ठीक है जैसे हम लोग रिवर स्ट्रीम को देखते हैं रिवर स्ट्रीम में क्या कर रहा है रिवर जो है एक डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर भी हमको किस तरह की एनर्जी देखने को मिल रही है हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है और इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर प्रोडक्शन ठीक है सिमिलरली हम लोग देखते हैं अगर हम पानी को बड़े बड़े रिजर्व में स्टोर कर देते तो ये रिजर्व में जो है आ, बहुत हाइट में अगर हम पानी को स्टोर करते तो उसमें क्या होता है उसमें क्या मिलता है हम लोग को उसमें मिलता है पोटेंशियल एनर्जी ठीक है ये पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग हार्नेस करते हैं हम लोग जब पानी को ऊपर से इतनी हाइट से नीचे गिराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है और हम लोग क्या करते है? कर हैं टर्बाइन को रोटेट करवाते हैं इससे अगेन हम लोग इस एनर्जी को यूज करते हैं पावर जनरेशन के, है? के लिए दोनों ही चीजें क्या है हाइड्रो पावर के लिए या दोनों ही चीजों को हम लोग हाइड्रो पावर के अंदर कैटेगराइज करते हैं और दिस इज नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी अगेन हम लोग टाइम मेमोर से यूज करते आ रहे हैं फॉर इंस्टेंस एक्सटाम्स टाइम से हम लोग आपने वाटर मिल्स का कंसेप्ट देखा होगा गाँव में इस तरह की वाटर मिल्स देखने को मिल जाती है जो क्या करती है अगेन इनको हम लोग जो रिवर्स के साइड में लगाते हैं रिवर के साथ में लगाते हैं जिनको हम लोग अगेन बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज करते हैं जैसे आटा पीसने के लिए चक्की चक, चक्की तरह भी यूज करते हैं इरीगेशन पर्पसिस की तरह भी यूज करते थे सो ये सारे हम लोग ऑलरेडी बहुत टाइम से आ, हाइड्रो पावर को हम लोग यूज करते आ रहे हैं बट जो मॉडर्न हाइड्रो पावर की मैं जो बात करता हूँ उसमें हम लोग क्या करते हैं उसमें हम लोग टर्बाइन को यूज करते हैं इस वाटर की एनर्जी को हम लोग टर्न्स को रोटेट करने के लिए यूज करते हैं एंड ये टर्बाइन को रोटेट करके ये टर्बाइन बेसिकली रोटेट होती है तो क्या होता है इसके साथ में जनरेटर अटैच है जब ये टर्बाइन रोटेट होती है तो जनरेटर क्या करता है जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ठीक है जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है तो ये हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी शुरुआत जो है वो लेट नाइनटीन सेंचुरी में हुई अराउंड एटीन के आसपास में सबसे पहले हमने कमर्शियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया

ये टेक्नोलॉजी हम लोगों ने स्टार्टिंग ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी ही परफेक्ट कर ली थी और यही टेक्नोलॉजी नाउ इट इज गेटिंग इम्प्रूवड एंड इम्प्रूवड और हम लोग बहुत ही बड़े स्केल में बड़ी कमर्शियल स्केल में हम लोग इसको देख रहे हैं ठीक है जिसमें मैंने आपको पीछे स्टार्ट भी बताया था एनर्जी नेटवर्क के अगेन अगर हम रिन में हाइड्रो पावर को यूज हाइड्रो पावर को ऐड करते हैं तो मोर अराउंडी परसेंट ऑफ ऑल द ऑल्यूएबल जो है वो कहाँ से निकल के आ रही है इसी हाइड्रो पावर से निकल के आ रही है ठीक है हम लोग किस तरह से पावर जनरेशन कर रहे हैं वो देखते हैं हम लोग हम लोग काफी अलग अलग टाइप के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं कुछ तो होते हैं बिना कॉल कन्वेंशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कन्वेंशनल प्रोजेक्ट्स में क्या होता है इसमें हम लोग बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं एक किसी रनिंग वाटर सोर्स पे जैसे कि रिवर्स होगी रिवर्स के ऊपर हम लोग बड़े बड़े डैम बनाते हैं और पीछे जो है हम लोग क्या करते हैं रिजर्व में क्या करेंगे रिजर्व में हम लोग पानी को स्टोर करते हैं ठीक है जी रिजर्व में हम लोग पानी को क्या करेंगे स्टोर करेंगे और इस पानी को देन इवेंचुअली हम लोग क्या करते हैं हम लोग टर्बाइन के तरफ को मोड़ देते हैं एंड उससे क्या करते हैं हम लोग टर्बाइन घुमाते हैं और पावर जनरेशन करते हैं ठीक है तो ये कन्वेंशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से अगेन इसके लिए बहुत बड़ा कमांड एरिया चाहिए होता है क्योंकि तो इतना बड़ा पानी का रिजर्वआर भी बनाना है तो इसके लिए बहुत बड़ा कमांड एरिया लगता है बहुत सारा इनंडेशन सबमर्जेंस होती है आसपास के एरिया की बट इसके बहुत सारे फायदे हैं जैसे इरिगेशन के लिए पानी को स्टोर करना या फिर वाटर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए पानी को स्टोर करना अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ऐसे बहुत सारे इसके फायदे हो जाते हैं ठीक है देन इज दिस रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट इसमें हम लोग इस तरह के रिजर्वर नहीं बनाते हैं हम लोग सिंपली क्या करते हैं हम लोग सिंपली जो रनिंग रिवर है उसी के किनारे पे एक टर्बाइन लगा देते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं अगेन ये इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं होते एज कम्पेयर टू देशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ठीक है उसके बाद आते हैं स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट है कम्पेरेटिवली कम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं मेबी टेन मेगा वॉट के आसपास की इससे कम एनर्जी जो है वो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट प्रोवाइड करते हैं फाइनली होते हैं माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ये जो है सिर्फ फ्यू किलो के आसपास के प्रोजेक्ट लगा आ, बना पाते है इतनी एनर्जी दे पाते हैं जिससे मैक्सिमम मैक्सिमम जो है बीस या तीस घरों को या एक छोटे गाँव को एक छोटे विलेज को जो है पावर मिल सके ठीक है कॉल्ड माइक्रो गांव के किनारे कोई कोई नदी या कोई नाला बह रहा हो उसके आसपास में हम लोग इस तरह के प्रोजेक्ट लगाते हैं ताकि उस गांव को हम लोग सफिशिएंटली या इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रिसिटी दे सके ठीक है ये हम लोग अब जो है इस टेक्निक को इस, इसको हम डिसेंट्रलाइज टेक्निक कहते हैं इसको हम लोग अब अपना रहे हैं फॉर हंड्रेड परसेंट ऑफ रूरल एरियाज ठीक है तो चलो ये जो है चार टाइप के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं हम लोग देखते हैं अः थोड़े थोड़े से व्यू दिखल रहे थे जैसे देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है अगेन इसमें देखो क्या किया हुआ है हमने रिजर्व वायर है पीछे रिजर्व वॉयर में बहुत सारा पानी स्टोर कर रखा है एंड इस रिजर्व वायर में हम लोग इसको बनाने के लिए अगेन जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा कमांड एरिया लग जाता है इसके अंदर बहुत बड़ा एरिया लग जाता है इसके पीछे हम लोग बहुत ज्यादा पानी स्टोर कर, करके रखते हैं और नीचे जो है इस तरह के गेट्स बने हुए हैं यहाँ से पानी जो है वो काफी बिकॉज बहुत ज्यादा पानी होगा ये पानी का जो है बहुत ज्यादा प्रेशर होगा इसमें एनर्जी बहुत होगी तो ये पानी बहुत फास्ट मूव करता है और वो इस टर्बाइन को रोटेट करेगा इवेंचुअली देन वो रिवर में निकल जाएगा टर्बाइन को रोटेट होने से क्या हो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ठीक है बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हम लोग आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके जैसे कि अगेन नाप्ता झाकड़ी अगर हम बात करें या फिर भाकड़ा नंगल बात करें ऑल ऑफ आर एग्जाम्पल्स ऑफ दीज काइंड ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ठीक है उसके बाद हम लोग बात करते हैं दीज आर देखो ये जो है दे आर स्मॉल हाइड्रो स्टेशन आर स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स अगेन ये आपको जो चाइना प्रिंस में छोटे छोटे से स्टेशन लगे हुए हैं अगेन आप देख सकते हो इसके साइड में यहाँ पे कोई छोटा सा नदी या नाला बहरा होगा तो क्या किया यहाँ से अगेन हम लोगों ने पाइप लगाया और पानी को क्या किया इस जनरेशन जनरेशन रूम में लेके गए यहाँ पे टर्बाइन से इस पानी को गुजारा टर्बाइन यहाँ पे लगी होगी और यहाँ पे बड़ा जनरेटर लगा होगा टर्बाइन के रोटेट होने से जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है और देन ये पानी जो है टाइम बाहर आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं ठीक है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा हिली एरियाज में स्पेशली जैसे रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश जैसे हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में अगर जाए कांगड़ा में या फिर कुल्लू रीजन में चल जाए तो ब्यास के आसपास में आपको जो है या फिर आ, रावी नदी के आसपास में आपको इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट स्मॉल माइक्रो प्रोजेक्ट देखने को मिल जाते हैं ठीक है एक बहुत अच्छी मूवी भी थी अः जिस मूवी ने में स्वदेश अगर कोई शाहरुख खान का फैन है तो उसे पता होगा स्वदेश मूवी भी आई थी जिसमें शाहरुख खान नासा में काम करता होता है और आ, नासा से जो है वो छुट्टियां मनाने काइंड kind ऑफ of छुट्टियां मनाने अपनी माँ को ढूंढने के लिए कहां पे आता है यहाँ पे आता है अपनी सो कॉल्ड काइंड ऑफ माँ एग्जैक्टली मतलब इसकी रियल माँ नहीं होती बट माँ बोल रहा होता है सो so, इसको ढूंढने आता है यूपी के किसी गांव में एंड वहां पे इसकी एक लड़की के साथ दोस्ती हो जाती है जिसका नाम गीता होता है तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं जो विलेज है उसको इलेक्ट्रीफाई करते हैं देखो ये आपको देखी भी रहा होगा ये बहुत अच्छा सीन है वहाँ का ये भाई जो है जैसे ये और ये लोग मिलके क्या करते हैं एक छोटा सा माइक्रो प्रोजेक्ट बनाते हैं ताकि वो क्या कर सके गाँव में बिजली ला सके बिजली ठीक है ये आंटी बोलती भी इस तरह से बिजली बाद में अगर किसी ने नहीं देखी मूवी देखना बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग मूवी है एंड इससे आपको लगेगा कि देश प्रेम या देश भी कुछ होता है ठीक है चलो बहुत हो गया आगे बढ़ते हैं हम लोग देन ये देखो आप दिस इज रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट दो यहाँ पे हम लोगों ने साइजेबल रिजर्वर बनाया है दिस दिस इज इज इन चीफ जोसेफ डैम एंड ये वॉशिंगटन में है ठीक है सो पे आप देख सकते हो कंपेरेटिवली ज्यादा देखो ये रन ऑफ द रिवर है यहाँ पे हम पानी स्टोर नहीं कर रहे बट इस एरिया में हम लोगों ने पानी स्टोर भी कर रखा है तो पीछे रिजर्वर भी है पर कई बार हम लोग रिजर्वर नहीं बनाते हैं ठीक है कि नहीं चलो सो तो कुछ हाइड्रो टॉप हाइड्रो प्रोड्यूसिंग नेशन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रो प्रोड्यूसिंग नेशन में अगेन ये नेशन जो है दे आर द टॉप हाइड्रो प्रोड्यूसर्स एंड सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है चाइना करता है इट दे आर चाइना जो है इट इज वे वे अहेड एज फार एज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जनरेशन एज वेल एज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज कंसर्न दो हजार के अभी हम स्टार्ट देखेंगे उसमें भी जो है चाइना पे नंबर वन पे है ठीक है उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड वन में जो है यूएसए सिंस यूएसए वाज दी फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन्होंने जो है दे वर फर्स्ट मूवर्स एंड तब से जो है ये लोग लीड कर रहे हैं ठीक है ब्राजील अगेन बहुत ज्यादा रिवर्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे एमेजोन है बहुत सारे इस तरह के रिवर्स हैं हाईलैंड है हाई तो आपको यहाँ पे नेचुरल स्ट्रक्चर्स देखने में मिल जाते हैं जहाँ पे रिवर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसनेडा जर्मनी रशिया एंड उसके बाद आपको इंडिया मिल जाती है तो सगे फिफ्थ सेवंथ प्लेस में आपको इंडिया देखने में मिलती है आ, हम लोगों ने इंडिपेंडेंस के बाद से ही बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए हैं ऑलमोस्ट इंडिया जो है इट इज अगेन ब्लेस्ड विद लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ रिवर्स और इन रिवर्स के ऊपर हम लोगों ने काफी प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं ठीक है सो टॉप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करें सो यू कैन सी चाइना जो है इट इज़ वे चाइनाड एनुअल प्रोडक्शन के मामले में एंड इंडिया जो है वो कहीं डिस्टेंट फाइव या डिस्टेंट में आपको देखने को मिल जाता है ठीक है अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की 2018 में बात करें तो टॉप्स अगर शेयर्स की देखें हम लोग 2018 में टॉप कंट्रीज की बात करें तो देखो चाइना जो है 28 परसेंट के साथ इट इज वे अहेड इन द लीग बाकी सबसे जो है बहुत आगे जो हंड्रेड Uh, इस इस साल ग्यारह मेगा बत्तीसिगा वॉट जो है एनर्जी प्रोड्यूस करी गई uh, कैपेसिटी ऐड करी गई फ्रॉम हाइड्रो पावर जिसका ट्वेंटी इन चाइना ठीक है इट इज ओनली इन चाइना एंड देन उसके बाद सेकेंड इज ब्राजील थर्ड इज कैनेडा फोर्थ इज यूनाइटेड स्टेट्स फिफ्थ रशिया एंड देखो इंडिया जो है अगेन आता है अराउंड सिक्स पोजिशन में ठीक है सो so, ओवरऑल जो है हाइड्रो पावर से कितनी एनर्जी जनरेट करेगी अराउंड फोर्टी टू हंड्रेड ट्रिलियन वॉट्स के, के आसपास में एनर्जी प्रोड्यूस करी गई और एनर्जी एडिशन कितना था एक साल में इट वाज 1132 गीगावाट ठीक है so सो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है इससे एंड इस साल भी, भी टू थाउजेंड में भी काफी एडिशन करेगे जिसमें चाइना जो है वो नंबर वन पे है ठीक है उसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में कौन से इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आपको देखने में मिलते हैं और कितनी मेगावाट के हिसाब से ये पावर प्रोडक्शन करते हैं सो so, मैंने टॉप फोर या फाइव इसमें दिए हुए हैं सबसे पहले आता है दिस थ्री गॉर्जेस डैम ये कहाँ पे हुबाई प्रोविंस में है चाइना में एंड दिस प्रोड्यूसिंग ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड मेगावाट का इसका जो है इंस्टॉलेशन या इसका जो है कैपेसिटी है ठीक है सो दैट इज वेरी वेरी दिस इज मैक्सिमम ठीक है इट इज सबसे ज्यादा इसका जो नियरेस्ट uh, प्रतिद्वंदी है दिस इज इटापू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन और ये भी जो है चौदह हजार मेगावाट कर रहा है सो पांच सौ कर रहा है ठीक है 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 ये 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 बहुत ही बड़ा डैम एंड किस कौन से नदी के ऊपर यांगटे रिवर के ऊपर है है ठीक रिवर को हम एक और नाम से जानते हैं तो so, एक बड़ा फेमस नाम दे रखा है चाइना में यांगटे रिवर को वो क्या है वो आप मुझे बताओगे ठीक है जी इसको हम लोग क्या कहते हैं एनी चुज सो सेकेंड जो है इट इज दिस इटापू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और ये कहाँ पे आपका दिस इज इन द रिवर पुराना और ये ब्राजील एंड के बॉर्डर पे है ठीक है सो अगेन दिस इज ए टापू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट फोर्टीन थाउजेंड मेगा के आसपास में इसकी जो है कैपेसिटी जनरेशन की पावर है ठीक है पावर जनरेशन की कैपेसिटी है सॉरी उल्टा बोल दिया पावर जनरेशन की कैपेसिटी ठीक है देन हम आ जाते हैं गुरी पावर प्रोजेक्ट अब हम इसको साइमन बॉलीवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी बोलते हैं साइमन बोलीवार बताते ही आपको पता चल जाना चाहिए कहाँ पे अगेन दिस इज इन ला ठीक है वेनिजेला में है एंड वेनिजेला में अराउंड टेन थाउजेंड टू हंड्रेड मेगावाट की इसकी जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है एंड दिस इज इन दी वेनिजेला ठीक है वेनिजेला में कैरोनी रिवर है इसके ऊपर आपको देखने को मिलती है अगेन कैरोनी रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैं पीछे बता चुका हूँ कैरोनी रिवर का आप इंपॉर्टेंस मुझे आप बताओगे इसकी एक ट्रिब्यूटरी है और इस ट्रिब्यूटरी भी एक, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आप मुझे बताओगे अगर पढ़ा है पुराना तो बहुत बढ़िया है नहीं पढ़ा पुराना तो आपको क्या करना है बिल्कुल ने भाग भाग देखी हुई है जाओगे शीशे के सामने खड़े और वही करोगे जो, आ, के किया था, बहुत बढ़िया आगे आ जाओ देन इज टुकुराई हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है दिस इज इन अगेन ब्राजील में है दिस इज द्थ लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन विद द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ एटी थ्री सेवेंटी मेगावाट ए थ्री हंड्रेड सेवेंटी मेगावाट के आसपास करके इसका इंस्टॉल्ड uh, कैपेसिटी है एंड एटीन है दिस इज इन ऑपरेशन ठीक है हम लोग और बात कर लेते हैं यूएसए का ग्रैंड कूले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ग्रैंड कूले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है दिस इज इन दी कोलंबिया रिवर कोलंबिया रिवर के ऊपर है वॉशिंगटन में वॉशिंगटन uh, स्टेट में एंड अगेन फिफ्थ बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में विद सिक्सटी एट हंड्रेड मेगावाट पावर जनरेशन

इंडिया में यहां मेंशन जरूर किया हुआ है बट इंडिया के अंदर जो हम लोग हाइड्रो पावर है वो हम लोग बहुत डीप में बात करेंगे जब हम इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हाइड्रो पावर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो यहाँ पे मैंने ज्यादा डीप में नहीं बात करूंगा कुछ ऊपर ऊपर से बता जाता हूँ जैसे पोंग डैम हो गया आपको पता ही है ये टेहरी डैम है भाकड़ा नंगल हो गया लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ देयर ऊपर जो है आपका चिनाब रिवर पे है दुलहस्ती है देन ऊपर किशन गंगा प्रोजेक्ट है नीचे बहुत सारे यूकाई प्रोजेक्ट है वो नहीं है कि बहुत सब्र नहीं है कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है तो ये लिखे हुए मैंने सारे ये आप एक एक करके देख लेना वैसे मैंने वहां पे बताने हैं ठीक है टेहरी डैम अगेन 2400 मेगावाट की कैपेसिटी है कब कैसे क्या बना था सारा लिखा हुआ है तो सारी चीजें मैंने यहाँ पे दी हुई हैं बट अभी मैं आपको कहूंगा कि ऊपर ऊपर से देख लेना डोंट गो टू डीप इट ये हम लोगों ने बात करनी है जब हम लोग इंडिया की बात करेंगे इंडिया में हाइड्रो पावर की बात करेंगे तब थोड़े बहुत इसमें हम प्लॉटिंग करेंगे ठीक है चलो आगे चलते हैं हम लोग देन हम लोग बात करते हैं वे पावर की अगेन अभी आ, जो आपका हाइड्रो पावर है हाइड्रो पावर इसको हम लोग रिवर्स से ही अः क्या कर रहे हैं रिवर्स से ही इसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं रिवर्स में हम लोग इसको अगेन uh, एक्सप्लॉय कर रहे हैं बट इसको अभी मैं मैप में नहीं दिखाऊंगा मैप में जब मैं वेव पावर है जब मैं टाइडल दोनों बता दूंगा तब मैं इसको मैप में दिखाता हूँ ठीक है सो सब्र करो आगे बढ़ते हैं हम लोग हम लोग बढ़ते हैं वेव वेव पावर पावर की तरफ वेव पावर बेसिकली क्या है इट इज कि हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग वेव्स की एनर्जी को कैप्चर करते हैं जो सी वेव्स हैं आपकी जो सी वेव्स हैं आपकी उनकी एनर्जी को कैप्चर करते हैं सी वेव्स मैंने आपको बताया था सी वेव्स क्यों चलती है बिकॉज ऊपर की जो विंड है वो मूव करती है और वो क्या करती है वो इस जो विंड एनर्जी है उससे ये इस तरह के क्रेस्ट एंड इस तरह के ट्रफ बनाती है एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं सी वेव्स कहते हैं इन सी वेव्स की इस राइज एंड इसके बाद इसका ट्रफ बनना फॉल इसके इसको हम अगर हम इस मोशन को इस एनर्जी इस मोशन की एनर्जी है बेसिकली वर्टिकल जो मोशन है है ना वर्टिकल मोशन है इसकी अगर हम एनर्जी को कैप्चर कर सकें तो इससे भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन कर सकते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं वेव पावर ठीक है सो so, वेव पावर की अगर हम बात करें इट इज यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑल्सो वाटर डिसलिनेशन पंपिंग वाटर सब चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका अब हम लोग यूज देख रहे हैं या यूज देखना चाहते हैं दैट इज टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ठीक है अगेन ये कंसेप्ट जो है वो नाइनटीन सेवेंटी से काइंड ऑफ कंसेप्शन स्टेज पे है लोगों के दिमाग में आ रहा है टेक्नोलॉजी इसके लिए डिवेलप हो रही है बट आज जो है ट्वेंटी ट्वेंटी खत्म हो चला है तो इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं अभी तक एल सच हम लोगों के पास कोई कमर्शियल वेव पावर के ऊपर कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है ठीक है प्रोटोटाइप्स हैं पायलट प्रोजेक्ट्स हैं बट कोई कमर्शियल फुली कमर्शियल हमें प्रोजेक्ट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं अभी भी जो है ये टेक्नोलॉजी जो है कंसेप्शन स्टेज में ही है और कमर्शियल लेवल पे आने में इसको अभी भी पहले दो था टू थाउजेंड टेन या टू थाउजेंड ट्वेल्व के आसपास में बड़ी हाइप आई थी बट उसके बाद जो है ये हाइप खत्म हो गई अभी जो है वी आर एक्सप्लोरिंग अदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सोर्सेज और इसके ऊपर अभी हम काम नहीं कर रहे ठीक so, है सो करते हैं बात है थोड़ा सा चलो 2008 सॉरी इट इन जब हमने सबसे पहला इस तरह का पायलट प्रोजेक्ट लगाया था इट वॉज इन यूनाइटेड किंगडम ठीक है स्कॉटलैंड में लगाया गया था एंड उसके बाद हम लोगों ने इसी टेक्नोलॉजी के बेस में 2008 में सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल फार्म लगाया था वेव फार्म लगाया था एंड दिस वॉज इन पोर्टुगल ठीक है दिस दिस वेव 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 फॉर्म कॉल्ड एज पार्क एंड बेस्ड ऑन एनर्जी ठीक है ये वेव एनर्जी कन्वर्टर क्या होता है इसमें जो है इस तरह का बहुत बड़ा एक सिस्टम सा लगा रखा है सिस्टम इस तरह के सिस्टम लगा रखे एक लंबा इस तरह का सिस्टम लगा रखा है और क्या कर रखा है इसको हम लोगों ने इधर से इस तरह से हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रखा है ठीक है जब एक पार्ट जो है वो वेव्स के क्रेस्ट में आता है एक ट्रफ में आता है तो क्या करता है ये ऊपर को मूव करता है नीचे को मूव करता है इससे क्या होता है ये जो हाइड्रोलिक जो सेक्शन बने हुए हैं ये क्या करते हैं कंप्रेस करते हैं एंड एक्सटेंड करते हैं कंप्रेस एक्सटेंड होने से क्या है ये आ, यहाँ पे नीचे जो फ्लूइड्स हैं ठीक है थेके? ये फ्लूइड्स को कंप्रेस करते हैं एक्सटेंड करते हैं जिससे कि अगेन हम लोग क्या देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन देखते हैं ठीक है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है सो so अगेन इस जब वेव इस तरह से वेव्स आती हैं तो क्या होगा ये इस तरह से मूव करता है वर्टिकली मूव करता है उससे फ्लूड कंप्रेस एंड रिलीज करते हैं बट है, so नहीं नहीं एनिमेशन है उसमें आपको दिखा नहीं। so हुई थी, इसके बाद और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है वे पावर में आ गई है बट देन अगेन कमर्शियल स्केल में नहीं आ पा रही डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें पूरे वर्ल्ड में वे पावर किससे साथ एसोसिएटेड होगी आपको पता होना चाहिए अगर मैं आपको पूछूं कि आपको कुछ नहीं पता कि ये कहाँ पे है वे पावर ऐसी रेंडमली अगर आपसे पूछू की मैं भाई बताओ आप सबको मैं इतनी जोग्राफी पढ़ा चुका हूँ कि वे पावर का पोटेंशियल कहाँ पे होना चाहिए वेयर शुड वे पावर पोटेंशियल भी किधर होगा ठीक है सो जो बता देगा उसके लिए बहुत बढ़िया है वो मतलब जोग्राफी ढंग से पढ़ रहा है और क्वेश्चन मेरे लेक्चर्स को बड़े ध्यान से सुन रहा है जो नहीं बता पाएगा मैंने पीछे बताई दिया क्या करना है ठीक है और ये यहाँ पे देखना नहीं इधर मत देखो इसको मत देखो अभी बताओ भाई चलो मुझे पता है आप सबको पता है अच्छे बच्चों हर रोज पढ़ते हो इसको सो अगेन पोटेंशियल वहां पे होगा जहां पे विंड्स जो है वो बहुत स्ट्रांग होंगी ठीक है समुद्र के ऊपर विंड जहां पे बहुत स्ट्रांग होंगी वहां पे ही वेव का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा बिकॉज कंटिन्यूसली जहां पे विंड्स बह रही हैं कंटिन्यूअसली और स्ट्रांग विंड्स बह रही है, है वहीं पे वेव जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी और वेव जहां पे स्ट्रांग होगी तो वहां पे वेव एनर्जी का पोटेंशियल अगेन क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा ठीक है तो इसको अगर आप फूड फॉर थॉट लेके चलोगे इसको अगर फूड फॉर थॉट लोगे तो आपको पता है कि सबसे सही विंड्स कहाँ पे चलती हैं वो चलती हैं 40 डिग्री से ऊपर 40 डिग्री टू 60 डिग्री के बीच में चलती है 60 65 डिग्री के बीच में चलती हैं क्या कहते हैं इन विंड को, को हम कहते हैं वेस्टर्लीज तो so जहां जहाँ पे आपको वेस्टर्लीज देखने को मिलेंगी उन शोर्स के पास में आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव्स देखने को मिलती हैं और अगर हम वहां पे इस तरह के वेव एनर्जी जनरेटर्स को लगाएंगे तो वहां पे एनर्जी के जो है पोटेंशियल आपको ज्यादा ही मिलेगा ठीक है सो अगेन सम टू ट्रिलियन के आसपास में टू ट्रिलियन वॉर्ड के आसपास में इसका पोटेंशियल है एंड मैक्सिमम पोटेंशियल आपको पे देखने मिलता है टेम्परेट जोन में दिखता है जहा पे वेस्ट जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांगली प्रिवेल कर रही है ठीक है जहां पे वेस्ट इंडीज मिलेंगी आपको वहाँ पे विंड बहुत स्ट्रांग होगी विंड स्ट्रांग होगी सरफेस विंड स्ट्रांग होंगी तो वहाँ पे वेव स्ट्रांग होंगी वेव स्ट्रांग होंगी तो वहाँ पे पोटेंशियल ऑब्वियसली ज्यादा है है नहीं? तो वेस्टर्न सी बोर्ड ऑफ यूरोप देन कोस्ट ऑफ यूके देन उसके बाद पैसिफिक कोस्ट लाइन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका की कि फोर्टी सिक्सटी में आती है अफ्रीका सदर्न अफ्रीका ठीक है जी केप की तरफ को देन ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन साउथ इन सदर्न ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन इधर पर्थ वाला ब्रिस्बेन वाला रीजन न्यूजीलैंड वाला पोर्शन सो ऑल ऑफ दीज रीजन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेव जनरेशन और हो भी यहीं पे रही ठीक है हम लोग जो ट्रॉपिकल एरियाज वाले कंट्रीज है उनको जरूरत नहीं है वेव एनर्जी के ऊपर काम करने के लिए बिकॉज हम लोग के पास सोलर पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है सन की जो रेज है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो इस करके हम लोग इन एरियाज में अभी भी सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किए हैं प्लस ट्रॉपिकल कंट्रीज में ट्रॉपिकल कंट्रीज में क्या होता है ट्रॉपिकल कंट्रीज में रेनफॉल बहुत है कि नहीं रेनफॉल बहुत स्ट्रांग है रेनफॉल स्ट्रांग होने के कारण और बहुत ज्यादा वेट सीजन जो है बहुत स्ट्रांग रहता है तो हमारे पास रिवर जो है वो बहुत अच्छी है रिवर्स अच्छी होने का के कारण हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी ज्यादा काम करते हैं सो so, वेव के ऊपर हम लोग ज्यादा काम नहीं कर रहे विंड के ऊपर काम कर लेते हैं सोलर के ऊपर काम कर लेते हैं हाइड्रो के ऊपर काम कर रहे हैं इनके ऊपर काम नहीं कर रहे इनके ऊपर काम करने वाले जनरली कौन से दे आर वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज क्यू वाई हैव पोटेंशियल इनके पास पोटेंशियल है सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके पास रोकड़ा है बॉस दे हैव लॉट्स लॉट्स एंड ऑफ मनी तो दे कैन इन्वेस्ट इन दैट बुक रो, रोटी कपड़ा मकान से ऊपर बढ़ गए हैं लोग तो इनको जो है एनर्जी नीड्स फुलफिल हो रही है इनकी देन दे कैन गो फॉर क्लीनर टेक्नोलॉजी ठीक है टेक्नोलॉजी भी है मैन पावर भी है स्किल्ड मैन पावर भी है पैसा भी है देखो ये आपके पोटेंशियल रीजन है पोटेंशियल रीजन नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पोटेंशियल रीजन अपर कैलिफोर्नियन ऑरिगन ठीक है जी देन पोटेंशियल रीजन नॉर्थ एंड साउथ पैसिफिक आपका ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन टिप ऑफ साउथ अफ्रीका नीचे पोर्शन ऑफ चिले

ये एक सेक्शन है फिर एक सेक्शन नीचे चला गया फिर एक सेक्शन ये पूरा ऐसे चार सेक्शन में बटा हुआ ठीक है इस तरह का ये स्नेक लाइक -like स्ट्रक्चर है एक फिर ये जुड़ा हुआ दूसरे से तीसरे से जुड़ा हुआ ऐसे -like है ऐसे ये स्नेक लाइक स्ट्रक्चर है ठीक है और जब ये इस तरह से आपका वेव्स आती हैं इस तरह से वेव्स आती हैं तो क्या होता है एक स्ट्रक्चर ऊपर को मूव करता है एक नीचे को मूव करता है और ये जो कनेक्टर्स लगे हुए हैं ये जो है इसके अंदर फ्लूड होता है ये कंप्रेस एंड रिलीज करेगा इससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ठीक है कनेक्टेड सेक्शन है जो फ्लेक्स एंड बेंड करते हैं जब वेव पास करती है और इस मोशन से बिजली जनरेट होती है अब नोस में नहीं जाना है कि बिजली कैसे जनरेट हो रही है क्या कौन सा पोल बन रहा है किस तरह से रोटेशन हो रही है क्या वो सब नहीं करना है वी आर नॉट ट्राइंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज हम लोगों को आई बनना है ठीक है या पीसीएस सी एस बनना ये काम करना ये ये है ये देखो ये वेव हब प्लेटफॉर्म्स है वेव हब का मतलब क्या होता है तो इसमें हम लोग मल्टीपल लो सोर्सेज से या मल्टीपल टेक्नोलॉजी से हम लोग क्या करें? तो हम लोग कर रहे हैं वेव एनर्जी को हार्नेस करते हैं तो मल्टीपल टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं बॉय टेक्नोलॉजी आर हम लोग यूज कर रहे हैं इस तरह के फ्लोटर्स होते हैं उसको हम लोग ने लगा रखा है तो इसको हम लोग जो है यूज करते हैं फॉर एनर्जी जनरेशन ठीक है ये कॉनबोल में लगा हुआ है फार्म इन इंग्लैंड अगेन प्रोटोटाइप प्रोडोटाइफ ही है बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रही ये जो है अब तक 2020 की अगर हम बात करें तो ये कुछ टेक्नोलॉजी जो है दे हैव कम इनटू प्रोमिनेंस

आपका कंप्रेस करते हैं रिलैक्स करते हैं इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जो मैंने कैगोआ में जो पोर्टुगल में प्लांट बताया इट इज बेस्ड ऑन दिस ओनली पहला जो मैंने आपको बताया इट इज बेस्ड ऑन दिस ओनली ठीक है थर्ड इज ऑस्किलेटिंग वेव सर्ज कन्वर्टर ऑस्किलेटिंग वेव सर्ज क्या होता है जब बहुत वेव आती है तो क्या होता है ये इधर को ऑस्किलेट करता है फिर जब यहाँ पे ट्रफ आता है तो इधर को ऑस्किलेट करता है तो इस तरह की कंटिन्यूस ऑस्किलेशन से ही क्या करता है एनर्जी प्रोड्यूस करता है ठीक है देन इज ऑस्कुलेटिंग वाटर कॉलम ये जो है ऑस्कुलेटिंग वाटर कॉलम है इसमें क्या होता है कि जब वेव का वेव हाई आती है तो क्या होता है पानी का लेवल ऊपर उठ जाता है ऊपर उठने से क्या ये एयर को यहाँ पे कंप्रेस करता है कंप्रेस करने से टर्बाइन क्या करती है फ्रोटेट करती है बिजली प्रोड्यूस होती है ठीक है और जब यहाँ पे ट्रफ आता है जब यहाँ से ट्रफ अब यहाँ पे ट्रफ आ गया जब क्रेस्ट ऊपर चला उधर चला गया तो क्या होगा हवा जो है नीचे चलेगी पानी नीचे चला गया हवा यहाँ से वापस आती है एंड ये क्या करती है टर्बाइन को रोटेट करती है ठीक है तो इस तरह के टू एंड फ्रो एक्शन से हम लोग बिजली प्रोड्यूस करने की को कोशिश कर रहे हैं ओवर टॉपिंग डिवाइस है ओवर टॉपिंग डिवाइस जो है समुन्द्र के ऊपर हम लोग इस तरह से एक ऐसा एल शेप डिवाइस लगाते हैं जब भी सी वेव्स आती हैं तो पानी यहाँ पे टकराता है और यहाँ पे आके यहाँ इकट्ठा हो जाता है यहाँ इकट्ठा होने से इसको ऊपर इस तरह के दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे इकट्ठा होने से पानी इकट्ठा होने से यहाँ पे टर्बाइन लगी होती है नीचे का सेक्शन खुलता है पानी नीचे जाता है टर्बाइन ऐसे घूमती है और पानी जो है दोबारा समुद्र में चला जाता है तो इस तरह के हम लोगों ने ओवर टॉपिंग सेक्शन बना रखे हैं फाइनली जो है इस तरह के सबमर्ज प्रेशर डिफरेंशियल बुईस जब ज्यादा क्रेस्ट क्रेस्ट आएगी तो क्या होगा प्रेशर इंक्रीज हो गया जब ट्रफ आएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो गया इस प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज से क्या है फ्लूइड कंप्रेस और रिलैक्स होते हैं और इससे हम लोग क्या करते हैं एनर्जी जनरेशन करते हैं ठीक है तेके? जितनी आसानी से मैं बता गया उतनी आसानी से एनर्जी जनरेट होती नहीं है ठीक है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं एपिक स्केल में प्रॉब्लम्स हैं ठीक है ये हर चीज में जैसे अगर ओशन के अंदर होंगे तो क्या होगा जैसे सॉल्ट वाटर है तो प्रॉब्लम बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है क्रोजन का प्रॉब्लम है देन उसके बाद आ, जो आपका समुद्र में वेस्ट है जैसे सैंड है इस तरह का इरोजन वाले जो मटेरियल हैं उनका एक्यूमोलेशन का प्रॉब्लम है सो so, जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बना पा रहे हैं इन सभी सिस्टम से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है जो बिजली हम लोग बना रहे हैं ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे कलर चेंज करने दो तो, ये जो ये बिजली हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे रेड कलर अच्छा है भड़काऊ सा कलर लेते हैं ना सो ये जो बिजली हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं ये बिजली जो है इसका प्राइस इट इज वेरी वेरी हाई तो प्राइस हाई होने से ऑब्बे बात है इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हम लोग इस पे क्यों जाएंगे बाकी रिन्यूएबल्स के ऊपर जो है फोकस करेंगे क्योंकि प्राइस जो है बहुत ज्यादा हाई है ठीक है सो कॉम्पिटेटिव नहीं है इन टेक्नोलॉजीज के बावजूद कॉम्पिटेटिवनेस नहीं है तो इस करके हम लोग ये अभी भी Uh, कहीं ना कहीं रिसर्च फेज में या फिर पायलट प्रोजेक्ट uh, के फेज में ही फंसे हुए हैं एज इन सर्च कमर्शियल स्टेज में हम लोग ज्यादा देख नहीं पा रहे ठीक so है सो अगेन ये मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाने लगा हु जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में किस टाइप्स के आपको यहाँ पे वेव प्लेटफॉर्म देखने में मिल रहे हैं या वेव एनर्जी के हारनेसेस देखने में मिल रहे हैं मैंने पीछे वही बताए हैं यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज एक्सप्लेन करूंगा मैं ये ये वीडियो एक्सप्लेन करेगी स्पेशली पहला मैंने बताया दिस इज एक्सेंट एक्सेंटुएटर्स है देन सेकेंड वन जो मैंने आपको बताया दिस इज बॉयज टाइप ठीक है बॉयज ये कैसे कर रहे हैं एंड थर्ड uh, मैंने जो आपको बताया दिस इज ओवर द टॉप हार्नेस इस तरह के ओवर द टॉप uh, जो आपके एल शेप हार्नेस हैं ये कैसे काम कर रहे हैं ठीक है ये वीडियो देखो उसके बाद हम लोग मिलते हैं Wave energy is created by the movement of the ocean's surface. When a wave rocks a boat back and forth, it's doing work. That energy can be captured and used to generate electrical power. If harnessed properly, it has the potential to provide 10% of the world's energy needs. The three most common methods to harness wave energy are attenuators, overtopping systems, and point absorbers. The attenuator rig sits upon the ocean's surface, giving it a snake like appearance. Each section is connected by a joint that allows the attenuator to undulate along each wave. The movement of the wave pushes and pulls hydraulic cylinders, causing fluids to compress into high pressure accumulators, creating an electrical current. The attenuator was the first wave power generator implemented for commercial use and has the capability of powering up to 500 homes per unit. In March 2003, a European team in Denmark launched a floating 237 ton prototype utilizing an overtopping system. The overtopping works like this When a wave approaches the rig, two wave reflectors guide the water to the center and up a curved ramp into the reservoir where the water is stored. From there, it's run through several hydro turbines. The water pressure spins the turbines, and the energy is converted into electricity with a magnetic generator. Overtopping rigs can withstand environmental hazards fairly well. The rig was designed to be large and heavy to combat any rolling and pitching. The low floating and heavy design allows giant winds and waves to simply pass over the rig. Another way to collect wave energy is using a point absorber. A point absorber works using a buoy that floats above the water to generate power. A giant shaft is anchored to the seafloor with the buoy secured on top. As the buoy moves up and down with the waves, the pumping action is converted into electricity. A single unit can generate enough power for 40 homes. The next generation is predicted to generate four times that amount. Put them together in a farm and a power plant is born. With further research and development, wave energy just might become a major contributor to the team of renewable energy all-stars. So I hope, this I hope you have video understood I और थ्री डी एनिमेशन में बहुत फर्क है तो दैट इज एडेड थ्री डी एनिमेशन हेयर और आई होप इससे जो है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं कुछ इनिशिएटिव देखते हैं यू एस ए इनिशियेटिव यू भी इनिशिएटिव ले रहा है वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के अलावा जैसे हमने देखा पोर्टुगल में ब्रिटेन में इस तरह के इनिशियेटिव के ऊपर काम किया जा रहा है यूएसए ने भी काफी इनिशियेटिव लिए हैं जैसे कि हम लोग बात करें ऑरिगन में कूजवे है यहाँ पे कूज जो है इट्स जस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑरिगन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं हवाई में काम कर रहे हैं न्यू जर्सी में हम लोग न्यू ऑफ द कोस्ट ऑफ न्यू जर्सी यहाँ पे हम लोग बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगे देख रहे हैं अगेन ये जो आर इन द डिजाइन फेज ओनली बट दे हैव नॉट टेकन ऑफ कमर्शियली क्यों नहीं किए हैं वाई दे टेकन ऑफ कमर्शियली क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बना दी बता दिया है टेक्नोलॉजी जो है वो अभी भी अपने नेसेंट स्टेज पे है एंड बहुत सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं जिन्हें अभी तक हम लोग क्या नहीं कर पाए इसको ओवरकम नहीं कर पाए हैं जो बिकॉज ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज हम लोग क्या देख रहे हैं बिजली बन तो रही है बट ये बिजली जो है बहुत ही ज्यादा कॉस्ट में बन रही है ठीक है कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हाई है एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका कि हम लोगों ने आज तक जितनी भी एनर्जी बनाई है बी इट कोल से एनर्जी जो हम लोग बना रहे हैं या हम लोग जो आपका न्यूक्लियर पावर फ्यूल से एनर्जी बना रहे हैं इस सब में हम लोग क्या करते हैं इस सब में हम लोग टर्बाइन रोटेट करवाने की कोशिश करते हैं ठीक है थेके? टर्बाइन रोटेट करवाने की कोशिश कर हैं बट ये टर्बाइन का जो मूवमेंट है इट इज लिमिटेड इन वेव पावर वेव में जो है इन टर्स का रोटेशन जो है इट इज लिमिटेड सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हॉरिजोटल मूवमेंट नहीं है वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है इस करके भी हम लोग देख रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है प्राइस बहुत हाई है तो इस करके अभी तक टेक ऑफ नहीं हुआ है इसके लिए भी मेरे पास एक छोटी सी वीडियो है इस वीडियो को देखो एंड आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा एज फार एज की वट आर दिमिटेशन वेव पावर इज कंसर्न एज फार एज वेव इज कंसर्न ठीक है चलो देखते हैं इसको हम लोग फटाफट से Hi, this is Alex from Minute Earth. The ocean is covered with literal waves of energy, and if we could convert this energy into electricity, we could power all of humanity's electrical needs. But for now, that's just a dream. That's because we haven't yet figured out an efficient way to use waves to spin turbines. And spinning a turbine is the best way we know of to convert the mechanical energy of a moving substance into electrical energy. Aside from solar panels, pretty much all our electricity comes from spinning turbines. Wind turbines and water turbines are the most obvious, but even our coal, gas, and nuclear power plants use turbines. The fuel is just there to heat water into steam that can flow and spin a turbine. The wave, on the other hand, is not the flow of a substance as a whole. Instead, it's just the local oscillating motion of small regions of the substance. It's like how at a stadium, when the crowd does the wave, the wave moves through the crowd, but the people don't move sideways, just up and down. If the entire crowd was, say, walking around the stadium, you could imagine everyone helping twist a single big turbine on the field. But if people were just standing up and sitting down, you'd need a more complicated system to move the turbine. So, back in the ocean, most attempts at harnessing wave energy try to turn waves into something else that can spin a turbine. We've made caverns in which waves rise and fall, pressurizing air that flows past a turbine. We've made big floating pipes whose joints flex in the waves, driving pumps that pressurize fluid that can spin a turbine. And we've created what are essentially big floating bags that waves pile up into and that water flows out of, spinning a turbine. We've also realized that at the edge of the ocean, when waves break, their water flows quickly enough to spin a turbine, but only for a few seconds at a time. So far, though, we haven't been able to get any of these turbines to spin fast enough or consistently enough to make electricity, at least cheap electricity. Building things in the ocean is expensive, and then whatever you build gets exposed to saltwater, sand, debris, barnacles, and storms. So you have to spend a lot of money repairing it. As a result, there's no commercially successful design for capturing energy from waves. We may yet be able to figure out how to make turbines commercially viable, or we may move past the turbine paradigm. We've come up with some designs that don't rely on turbines, like buoys whose bobbing movement pulls on a generator, but their electricity ends up being just as expensive as from the designs that rely on turbines. Hopefully, a new wave of wave energy will arrive someday soon. But so far, wave energy is barely making a ripple. सो so, आप आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा और ये भी पता चल गया होगा क्यों जो है वेव पावर इट इज नॉट टेकिंग ऑफ ठीक है चलो हम आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से नेक्स्ट लेटस्ट टॉक अबाउट अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड विच इज मोर कमर्शियली वायबल ऑल्सो दिस इज द टाइडल एनर्जी अगेन वॉट इज टाइडल एनर्जी एंड हाउ इट इज डिफर तीनों एनर्जी डिफरेंट है हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो हम बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं जनरली रिवर्स को हम लोग हार्नेस करते हैं मूविंग वाटर को हार्नेस करते हैं एंड इसमें जो है हम लोग क्या कर रहे हैं पावर प्रोडक्शन कर रहे हैं ठीक है तो so यहाँ पे जनरली रिवर्स है देन आ जाते हैं आपके वेव प्लेटफॉर्म में वेव जो पावर है आपकी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग सी वेव को हार्नेस कर रहे हैं जो की सरफेस लेवल में जो एनर्जी मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह उसको हम लोग हार्नेस करने की कोशिश करते हैं थर्ड इज टाइड्स टाइड्स में बेसिकली क्या है इट इज राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ठीक है ये अगर नॉर्मल लेवल है पानी का तो क्या करता है सा, महीने दो, दिन में दो बारी क्या करेगा ये लेवल राइज करेगा एंड देन दिन में दो बारी क्या करेगा ये लेवल फॉल करेगा तो राइज एंड फॉल है कंटिन्यूअस राइज एंड फॉल ऑफ वाटर जो है दिस इज कॉल्ड एस टाइड एंड इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन मून एंड एंड द काउंटर फोर्स ऑफ द अर्थ ठीक है अगर ये राइज एंड फॉल जो है ये पांच मीटर से ऊपर है फाइव मीटर से ऊपर है तो हम लोग जो है इसको यूज कर सकते हैं फॉर एनर्जी जनरेशन ठीक है एनर्जी जनरेशन एनर्जी हार्नेसिंग पर्पज से जो है हम लोग इसको यूज कर सकते हैं ठीक है अगेन प्रॉब्लम क्या है वही हाई कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट है बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है एंड अगेन सबसे बड़ी बात है दे आर वेरी वेरी लिमिटेड टू दी साइट्स ठीक है जैसे मैंने आपको बताया पांच मीटर से ऊपर के हम लोगों को टाइट चाहिए जो राइज एंड फॉल है वो पांच मीटर से ऊपर होना चाहिए सो so अगेन इतना ज्यादा जो आपको टाइड का राइज या फॉल है इसके लिए भी अगेन बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल एरियाज अवेलेबल नहीं है हमारे पास बहुत कम ज्योग्राफिकल एरियाज अवेलेबल हैं प्लस टिपिकल टोपोग्राफी जो टेक्नोलॉजी हम लोग हार्नेस कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या लगाते हैं जनली बैराजिज लगाते हैं ठीक है बैराजिज लगाते हैं और इन बैराजिज के लिए इस तरह के जो छोटे मुंह वाले गल्फ्स का हम लोगों के पास बहुत ज्यादा एरियाज में अवेलेबल नहीं है सो so, इस करके भी जो तो टाइडल एनर्जी है ए इसकी कॉस्टिंग कंपेरेटिवली हाई पड़ती है की लिमिटेड साइट्स होने के कारण जो है आ, ये जो टेक्नोलॉजी इज़ नॉट वेरी मच कमर्शियल इन एवरी एरिया बहुत कम एरियाज में जो है इट कैन गेट कमर्शियल वायबिलिटी ठीक है बट अभी क्या हुआ है रिसेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जैसे हमने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स करें हैं टर्बाइन टेक्नोलॉजी को अंडर वाटर जो टर्बाइन टेक्नोलॉजी है अंडर वाटर टर्बाइन टेक्नोलॉजी इसको हम लोगों ने इम्प्रूव किया है एक्सेल टर्बाइन बनाई हैं क्रॉस क्रॉस फ्लो टर्बाइन बनाई है जो कि बेसिकली पानी के अंदर बहुत फास्ट रोटेट कर सकती हैं। इनके कारण भी हम लोगों ने अब कमर्शियल वायबिलिटी लेने लग गए हैं ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है कम कॉस्ट के अंदर ठीक है ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं एट कंपेरेटिवली लेसर कॉस्ट एंड दिस इवेंचुअली हैज मेड टाइडल एनर्जी कंपेरेटिवली मोर वायबल ठीक है so, चलो. ये हम लोग पर्टिकुलर छोटा सा वीडियो देखते हैं एज फार एस टाइडल एनर्जी क्या है किस तरह की हम लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट तरह की टेक्नोलॉजी दिखा रखी हैं एक आपकी बैराज टेक्नोलॉजी है बैराज टेक्नोलॉजी हम लोग क्या करते हैं हम लोग एक नैरो जो आपका एरिया है नैरो जो गल्फ है जहाँ से समुद्र जो है या समुद्र का पानी ऊपर आता है उन एरिया से हम लोगों ने क्या बैराजिस बनाए हैं ठीक है तो जब भी राइज होता है पानी का जो टाइड राइज करती है तो बहुत सारा पानी जो है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और आते हुए टर्बाइन को रोटेट करता है और जब आ, लो टाइट जाती है तो पानी जो यहाँ से बाहर निकलता है टर्बाइन को रोटेट करता है तो बिराज सिस्टम है देन अंडर वाटर हम लोगों ने यहाँ पे आ, विंड फेंसिस लगा रखी है इस तरह की फेंसिस लगाई है फेंसिस जब टाइड आती है जाती है तो क्या ये फेंसेज इस तरह से रोटेट करती हैं, इससे भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड देन हम लोगों ने क्या किया है अंडर वाटर थर्ड जो टेक्नोलॉजी अंडर वाटर वाटर टर्बाइन इस तरह की हम लोगों ने टर्बाइन लगा रखी हैं। ये टर्बाइंस क्या करती हैं जब भी टाइड मूव करती है राइज़ करती है फॉल करती है तो ये टर्बाइंस जो है रोटेट करती हैं ठीक है तीनों टेक्नोलॉजी के बारे में ये वीडियो है चेक करो इस वीडियो को एंड देन यू लेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉकिंग अबाउट टाइडल पावर टाइडल पावर इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी फ्रॉम द नेचुरल राइज़ एंड फॉल ऑफ द टाइड्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी टाइड्स आर कॉज्ड बाय द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द मून द सन एंड द रोटेशन ऑफ द Tidal plants can only be installed along coastlines. Coastlines often experience two high tides and two low tides on a daily basis. The difference in water levels must be at least 5 meters high to produce electricity. Tidal electricity can be created from several technologies, the main ones being tidal barrages, tidal fences, and tidal turbines. Tidal barrages are the most efficient tidal energy sources. A tidal barrage is a dam that utilizes the potential energy generated by the change in height between high and low tides. This energy turns a turbine or compresses air, which in turn creates electricity. Tidal fences are turbines that operate like giant turnstiles, whereas tidal turbines are similar to wind turbines, only underwater. In both cases, electricity is generated when the mechanical energy of tidal currents turns turbines connected to a generator. The generator produces electricity. Ocean currents generate relatively more energy than air currents because ocean water is 832 times more dense than air and therefore applies greater force on the turbines. Tidal power is easy to install and renewable, having no direct greenhouse gas emissions and a low environmental impact. Because the ocean's tidal patterns are well understood, tidal energy is a very predictable energy source, making it highly attractive for electrical grid management. This sets it apart from other renewables that can be more unpredictable. However, adoption of tidal technologies has been slow, and so far the amount of power generated using tidal power plants is very small. This is due largely to the very specific site requirements necessary to produce tidal electricity. Additionally, tide cycles do not always match the daily consumption patterns of electricity, and therefore do not provide sufficient capacity to satisfy demand. That's tidal power.

शिवे लेक टाइडल पावर स्टेशन ठीक है शिवे लेक टाइडल टाइडल पावर स्टेशन दिस इज इन साउथ कोरिया देन यू कैन सी टाइडल पावर स्टेशन देखो इस तरह का हमने बैराज बना रखा है जब हाई टाइड आती है तो बराज ये पानी जो है इधर से इधर को मूव करता है एंड देन लो टाइड आते तो इधर से इधर को मूव करता है इस तरह से यहाँ पे एनर्जी जनरेशन हो रहा है ठीक है देन इसके अलावा और बहुत सारे स्टेशन जो है वो Uh, हम लोगों ने इंस्टॉल कर रखे हैं मोस्ट ऑफ दी स्टेशन आर इन दॉ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज ऊपर की कंट्रीज में ही है uh, नीचे जो ट्रॉपिकल कंट्रीज को ज्यादा काम नहीं कर रहे अगेन पोटेंशियल हाई है बट स्टिल नहीं कर रहे काम क्यों बिकॉज अगेन सेम बात है कि उनके पास बाकी टेक्नोलॉजी इस टेक्नोलॉजी की एक्सेस ही नहीं है बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजीज हैं सो so, देखो कनाडा कर रहा है एनोप्लीस रॉयल जनरेटिंग स्टेशन है जिंगशिया दिस इज इन चाइना देन रेंच लारेंच टाइडल पावर स्टेशन दिस इज इन फ्रांस शिवे लेक टाइडल पावर स्टेशन दिस इज इन साउथ कोरिया एंड इस तरह के जो है टाइडल पावर स्टेशन है कंपेरेटिवली बहुत ही ज्यादा छोटे बनाए हुए हैं ठीक है यूके यु, का था एक सीजन में बट अगेन इसको हमने डी कर दिया बहुत सारे तो ये एस्टिमेट्स आप देख सकते हो कि ग्लोबल पोटेंशियल कहाँ कहाँ पे है सो कैन सी ग्लोबल पोटेंशियल एरियाज अगेन आपको यहाँ पे ये रीजन अपर रीजन में आपको बहुत ज्यादा पोटेंशियल देखने को मिलेगा लोअर रीजन में पोटेंशियल देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे टाइड्स कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग आती है बट Uh, कई और भी जगह हैं सिर्फ टाइड्स के स्ट्रांग होने का ही एक इंपॉर्टेंट कारण ही है मैंने पीछे आपको बताया जो भी टेक्नोलॉजी जब तक हमने परफेक्ट करी है उसमें दो चीजें चाहिए एक टाइड की साइज जो है आठ पांच मीटर से ऊपर होना चाहिए और दूसरा जो है हमें नैरो इनलेट अगर हम बैराज वाला जो टाइड इंटेक्स टेक्नोलॉजी है उसके लिए हमें क्या चाहिए इस तरह के नैरो गल्फ चाहिए तो इस तरह की जगह जो है कहाँ पे अवेलेबल है हम देखते हैं जैसे आपको ये बे ऑफ फंडी वाला रीजन है ठीक है बे ऑफ फंडी वाला रीजन हडसन बे वाला रीजन है सो मोस्ट ऑफ आपका जो अपर अमेरिका कैनेडा वाला रीजन है ये जो है यहाँ पे पोटेंशियल है देन आपका ये रीजन है इंग्लैंड का इंग्लिश चैनल है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ ऑफ्राल्टर वाला रीजन है उधर नॉर्थ सी वाला रीजन है बहुत सारे इस तरह के नैरो इनलेट्स पे मिल जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है पोटेंशियल देखो यहाँ पे कितना है यूके का पोटेंशियल इलेवन थाउजेंड मेगावाट के आसपास में देन उसके बाद ब्राजील वाला रीजन है ठीक है ब्राजील वाला रीजन है चिली में ये जो नीचे फोर्ट्स वाला रीजन जो है आपका फॉर्ज नहीं कहते इसको हम लोग जॉर्ज कहते हैं सिंपली ठीक है नहीं? होता एफ भी लगता है पर सिंपली जॉर्ज कहते हैं जॉर्ज वाला रीजन है तो यहाँ पे क्या है जॉर्ज क्या होते हैं इस तरह की बड़ी बड़ी क्लिप्स बनी हुई है और यहाँ पे जो है सी वाटर अंदर को आता है तो अगेन यहाँ पे भी हम लोग इस तरह के स्टेशन बना सकते हैं ठीक है देन उसके बाद ऑस्ट्रेलियन वाला रीजन है बहुत सारा जैसे बास स्टेट वाला रीजन है ब्रिस्बेन वाला रीजन है यहाँ पे बन सकता है देन दिस बे ऑफ ये वाला रीजन देन इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबार्ट में जो है बहुत ज्यादा आपको पोटेंशियल मिल जाता है अगेन टेन थाउजेंड मेगावाट का पोटेंशियल यहाँ पे बोला गया है बट uh, देखते पता नहीं कितना बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा देन उसके बाद चाइना वाला रीजन है थोड़ा सा जापान ये देखो इस परफेक्चर में भी आपको बहुत सारे इस तरह की जगह मिल जाती हैं, कोरियन वाला रीजन है यहाँ पे आपको मिल जाता है सो ये पोटेंशियल एरियाज है जो हम लोग देख सकते हैं एज फार एज दी टाइडल एनर्जी कंसर्न ठीक है ये मैंने आपको बताया जैसे बे ऑफ फंडी यूके टाइडल पावर है चाइना यू कैन ऑलवेज सी नॉर्थ अमेरिका अर्जेंटीना इंडिया फ्रांस रशिया ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया ये कुछ रीजन है जहाँ पे टाइडल एनर्जी इज वेरी वेरी स्ट्रांग ठीक है सो इसके बाद ये कुछ जो है देखो आप देख सकते हो प्रपोज प्रोजेक्ट्स हैं जो कंट्रीज लगाने की सोच रहे हैं जैसे गैरो रिम बे टाइडल पावर स्टेशन दिस इज इन साउथ कोरिया एंड उसके बाद यू कैन से इंडिया में भी देखो गल्फ ऑफ कच का प्रोजेक्ट है हम लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं पचास मेगावाट का ट्रायल बेस्ड प्रोजेक्ट है बट ये सिर्फ अभी पेपर्स में ही है एजेंसर इसके ऊपर हमने ज़्यादा काम नहीं किया है ठीक है यूनाइटेड किंगडम जो है दिस सर्वर्न बराज ये हम लोग ये यूनाइटेड किंगडम बनाने की कोशिश कर रहा है सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सिस्टम ज्यादा है जो कि कहीं ना कहीं अलग अलग फेजिस में है ठीक है सो दिस इज टाइडल एनर्जी फॉर यू पीपल एंड अभी हम लोग क्या करेंगे अभी हम लोग वी विल क्विकली मेक अप अ मैप एंड जहां पे हम लोग इन तीनों ही एरियाज को बोथ हाइड्रो पावर एज वेल एज योर वेव पावर एज वेल एज योर टाइडल पावर इसको हम लोग कहीं ना कहीं हल्का सा प्लॉट करके देखेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अपना मैप बनाएंगे मैप आपको पता ही है कैसे बनाना है मैं आपको जादू दिखाऊंगा छोटा सा चलो हम लोग जादू देखेंगे अभी एंड उसके लिए हम लोग क्या बनाना है लाइन्स बनानी है बनाओ लाइन्स फटाफट से जीरो डिग्रीज ऊपर थर्टी डिग्रीज जल्दी जल्दी बनाओ 60 डिग्रीज देन दिस इज 30 डिग्रीज अगेन दिस इज 60 डिग्रीज अगेन बन गया चलो यहाँ पे अब आप मैं आपको जादू दिखाऊंगा देखो बना दू मैं वैसे तो पता है आपको कैसे बनाना है चलो थ्री टू वन एंड सो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेटर स्टार्ट विद द हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और हमने सबसे पहले हाइड्रो पावर की बात कर रहे हैं ठीक है हाइड्रो पावर लेंगे हाइड्रो पावर को कलर uh, चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा लाइटिश येलो कलर लेते हैं ये हम लोग हाइड्रो पावर के लिए यूज करेंगे अगेन बहुत सारी टेक्निक से हम यहाँ पे अगर आपको हाइड्रो पावर दिखाना है तो कैसे कर सकते हो पहले तो हम लोग हम लोग क्या कर सकते हैं चीफ जो आपके अः आपके हाइड्रो पावर स्टेशन है हाइड्रो पावर नेशन है उनको आप लोग हाईलाइट कर सकते हो और वहां पे एक या दो प्रोजेक्ट्स आप दिखा सकते हो ऐसे कर सकते हैं हम लोग ठीक है एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को आप यहाँ पे हाईलाइट करके बता सकते हो फॉर इंस्टेंस कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर स्टेशन है तो so, सबसे पहले यूएसए यूएसए तो है ही आपका हाइड्रो पावर स्टेशन ठीक है ये आपका एरिया तो पावर हाइड्रो पावर के लिए माना ही हुआ है क्योंकि दे वर देवर फर्स्ट मूवर्स ब्राजील एंड आपका वेनेजुएला अर्जेंटीना कर रहा है आपका रीजन ठीक है देन उसके बाद आपका इंडिया बहुत ज्यादा हार्नेस कर रहा है आपको मोस्टली आपको इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं चाइना आपको हार्नेस करता दिख जाता है ठीक है देन उसके बाद समवेयर जर्मनी आपको यहाँ पे हाइड्रो पावर स्टेशन को यूज करता दिखता है एंड मोस्टली रशिया आपको देखने को मिलता है सो इंपॉर्टेंट रिवर्स में इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट एक दो प्रोजेक्ट दिखा दोगे आप तो बहुत बढ़िया हो जाएगा तो वही हम लोग प्रोजेक्ट दिखा देते हैं फटाफट से सबसे पहले हम लोग चल जाते हैं चाइना में मैंने आपको यंगटे बताई थी रिवर इसके ऊपर यहाँ पे कौन सा डैम है दिस इज थ्री गॉर्जिसम ठीक है थ्री गॉर्जिसम है दिस इज इन चाइना चाइना में आपको देखने में मिल रहा है इसको देन ऊपर मैंने येनएसए में बताया था आपको दिस इज येन एस रिवर यहाँ पे है येनएसए रिवर और यहाँ पे आपका जो है प्रोजेक्ट है कौन सा प्रोजेक्ट है दिस इज सियानो प्रोजेक्ट ठीक है सियानो प्रोजेक्ट दिस इज इन येनएसए ये आप दिखा सकते हो यहाँ पे देन उसके बाद नीचे इंडिया वाले पोर्शन में आ जाओ बहुत बहुत सारे जगह हैं बट इतनी सारी जगहों को आप दिखा नहीं सकते याद नहीं रखे जाएंगे इतने ठीक है नी तो इंडिया में दिखाने हैं तो आप दो तीन दिखा सकते हो कहीं पे दिखाना टेरी भी टेहरी दिखा दो टेहरी डैम है अगेन रिवर गंगा के ऊपर भागीरथी के ऊपर एक्चुअली सो यहाँ पे आप अगर इधर दिखाना चाहते हो दिस इज यूकाई डैम इन तापी तापी वाले रीजन में दिखाना चाहते हो और भी जैसे रेहान प्रोजेक्ट है यहाँ पे रेहान डैम सोन uh, के ऊपर ये दिखाना चाहते हो आप ये दिखा सकते हो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स जो आप यहाँ पे दिखा सकते हो ठीक है सो दीज आर दी रिजन एज फार एज उसके बाद आप आ जाओ ऊपर जर्मनी वाली साइड में जर्मनी वाली साइड में बिग प्रोजेक्ट नहीं है बस ऊपर ऊपर से आपने दिखा दिया यूएसए वाली साइड में आ जाओ यूएसए में आपको कहाखने में मिलेगा मैंने आपको ग्रैंड कूले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बताया था जैसे कोलंबिया ग्रैंड कूले ठीक है जी ग्रैंड कूले है ग्रैंड कूले प्रोजेक्ट इन कोलंबिया मिल गया जी आपको कोलंबिया कोलंबिया रिवर के ऊपर कोलंबिया प्लेट्यू के ऊपर है देन तो यहाँ पे टेनेसी रिवर वाटर प्रोजेक्ट आप बता सकते हो टेनेसी रिवर वाटर प्रोजेक्ट इज देयर ठीक है टेनेसी रिवर विच इज एक्चुअली ट्रिब्यूटरी ऑफ मिसिसिपी ठीक है मिसिसिपी की ही ट्रिब्यूटरी है बन गया नीचे आ जाओ आप नीचे दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए थे कौन कौन से प्रोजेक्ट थे पहला तो आपका इटापू प्रोजेक्ट है ठीक है पुराना रिवर के ऊपर इटापू प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है इटापू प्रोजेक्ट है दिस इज इन द रिवर पराना ठीक है ब्राजील और पेरेगुए के बिल्कुल बीच में मिलता है आपको बॉर्डर पे मिलता है देन उसके बाद आपको ऊपर मिल जाएगा टुक्राई प्रोजेक्ट यहाँ पे है टुक्राई प्रोजेक्ट है इधर आपको एक और प्रोजेक्ट मिल जाता है दिस इज Venezuela का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है दिस इज साइमन बोलीवार ठीक है अगेन दस हजार मेगावाट का है Venezuela का इम्पोर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है वो यही प्रोजेक्ट है सो so, इस तरह के आप एरिया दिखा सकते हैं एज फार एज हाइड्रो पावर इस कंसर्न ठीक है as as हाँ, आ गया हाइड्रो पावर फिर हम लोग चलते हैं फटाफट से वे पावर के ऊपर ठीक है वेव पावर के ऊपर अगेन बहुत सारे एस्पेक्ट्स आप दिखा सकते हो तीन चार मैं आपको बता देता हूँ वेव पावर के ऊपर आपको पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा और इन सच आपको क्या मिलेगा यहाँ पे सो so, वेव पावर वेव पावर सो so अगेन आपको कहां पे मिल कहा मोस्ट ऑफ द वेव पावर ये देखने को मिलेगी देखो यहाँ पे यहाँ पे विंड जो है बहुत स्ट्रांग है ये वाला पोर्शन वेव पावर ये वाला पोर्शन है सारा ये वाला रीजन ये वाला रीजन वेव पोर्शन का यही लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं ठीक है चिले काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर दिखाने की जरूरत नहीं ये पोटेंशियल दिखा दो चलो पोटेंशियल जो है ये है पोटेंशियल ये पोटेंशियल रीजन है ठीक है बट काम कौन कर रहा है काम जो है सिंपली आपको कौन देखने में मिल रहे हैं एज इन सच ज्यादा काम देखने में नहीं मिल रहा फटाफट जैसे मैं आपको दिखाता तो हूँ uh, आपको पोर्टुगल वाला सब प्रोजेक्ट दिखाते है पोर्टुगल वाला प्रोजेक्ट जो है इट एस आपका एगु कैडोरा एगुकेडोरा प्रोजेक्ट है यहाँ पे आप दिखा सकते हैं एगुकेडोरा प्रोजेक्ट देन उसके बाद आप यूके का प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं यूके का दिस इज कॉर्नवाल प्रोविंस यूके और यहाँ पे आपको वेव हब हब सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है सो इतने ही आपको एज एन सच और यहाँ पे इम्पोर्टेंट कोई सिस्टम देखने को नहीं मिल रहे हैं हमने बात भी नहीं करी इन सिस्टम के बारे में आ, देखने को होंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जैसे कि अःगन के पास में यहाँ पे कूज वे प्रोजेक्ट है ये आपको देखने मिल जाएगा हवाई में प्रोजेक्ट्स आपको देखने मिल जाते हैं हवाई आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये काइंड kind ऑफ of चल रहा है न्यू जर्सी ईस्टर्न सी कोस्ट में भी ये लोग कर रहे हैं दिस इज न्यू जर्सी हाइड्रो पावर सॉरी आपका वेव पावर प्रोजेक्ट सो ये इस तरह के तीन चार प्रोजेक्ट्स आप दिखा सकते हो ठीक है आई थी सच बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी इन सच बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं है फिर हम लोग आ जाते हैं टू वर्ड्स दर्ड्स आ जाते हैं हम लोग इधर की तरफ को हम लोग आ जाते हैं इन दी दाइडल सेक्शन ठीक है टाइटल सेक्शन की बात करेंगे हम लोग तो लेट अस शो विद दिस कलर कलर ठीक है पहले हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल की सो so, पोटेंशियल कहाँ पे आपको जैसे हमने पीछे मैप भी देखा था पोटेंशियल ये सारा पोटेंशियल रीजन है एक्स से दिखाते हैं दिस इज ऑल पोटेंशियल रीजन ऑफ टाइडल एनर्जी स्पेशली ये रीजन आपके यहाँ पे बे ऑफ फंडी वाला रीजन है आपका देन ये आपका न्यू फाउंडलैंड वाला रीजन है आपके नोवासोटिया वाला रीजन है ऊपर लॉरेंशियल रीजन है आपका गल्फ रीजन है आपके देन नीचे चिली में जो है आपके जॉर्ज रीजन है सिमिलरली नॉर्वे वाले रीजन में आपके जॉर्ड वाला रीजन है जो यहाँ पे आपको मिल जाता है डेनमार्क वाला पोर्सन है देन इंग्लैंड वाले पोर्शन है आपके फ्रांस जर्मनी ये वाला पोर्सन आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है गल्फ ऑफ कच्छ कच्चन गल्फ ऑफ खम्बाट वाला रीजन है इंडिया के अंदर ये आपके इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया देन ये आपका ब्रिस्बेन वाला जो बे ऑफ बिस्की है बास स्ट्रेट है ये रीजन है आपके न्यूजीलैंड वाला सारा रीजन जो है दिस इज नोन फॉर और दिस कैन बी यूज फॉर टाइडल एनर्जी इधर आप ऊपर आ जाओ ये रीजन आपके चाइना का मंचूरियन पोर्शन कोरियन पेनसुला ये रीजन आपका ठीक है देन उसके बाद जेपनीज आइलैंड ये आपके जो है दिस आर इम्पोर्टेंट रीजन एज फार एज टाइडल एनर्जी कंसर्न ठीक है सो बात कर लेते हैं हम लोग टाइडल एनर्जी में दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट तो आप लिखी लो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं आपके दिस इज रेंच टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट यहाँ पे आपका है दिस इज रैंच लारेंच टाइडल प्रोजेक्ट दिस इज इन फ्रांस ठीक है लारेंच टाइडल प्रोजेक्ट है बिल्कुल यहाँ पे कोस्ट के बिल्कुल पास में देन सिमिलरली आपका साउथ कोरिया में सम्वेद यहाँ पे जो है इट इज यि लेक टाइटल प्रोजेक्ट दिस इज दी प्रोजेक्ट यहाँ पे सो so ये जो है इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है आपके सिमिलरली चाइना uh, जो है समवेयर यहाँ पे आपका ईस्ट चाइना सी के पास में ये बना रहा है दिस इज यंग प्रोजेक्ट है ये कुछ प्रोजेक्ट आपको देखने में मिल जाते हैं एज एन सच इसके अलावा आपको कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट देखने मिले प्रपोज प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं प्रपोज प्रोजेक्ट में देखो ब्राज़ील में भूल गया ब्राज़ी भी है इंपॉर्टेंट एरिया ब्राज़ील वाला रीजन इज इंपॉर्टेंट फिलिपींस वाला रीजन इज इम्पॉर्टेंट इंडोनेशिया वाला रीजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट कर नहीं रहा कोई है कि नहीं कर नहीं रहा देन uh, कहाँ पे बन रहे हैं अगेन यहाँ पे जो है इज वन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट दैट इज गैरो रेम प्रोजेक्ट है इन साउथ कोरिया ये चल रहा है यहाँ पे पर हुआ कुछ नहीं है यहाँ पे ठीक है देन सेवर्न बराज है नीचे वाली पोर्शन इधर पे सेवर्न बराज काम नहीं चला इसके ऊपर ज्यादा हुआ कुछ नहीं है देन आपका गल्फ ऑफ कच रि प्रोजेक्ट है so, ये जो है दी आर फ्यू ऑफ दोजेक्ट ठीक है सो दैट इज इट इतना ही बहुत है एज फार एज दी दीज थ्री पावर्स आर कंसर्न सो दैट इज इट फॉर द्री रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट रिन्यबल एनर्जी रिसोर्सेज उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जियो थर्मल के ऊपर और बायोमासर्जी के ऊपर ये दो इंपॉर्टेंट रह गए हैं इसके बाद